खबर सिरोही राजस्थान से। जिले की जनता को कोरोना महामारी में अत्यावश्यक राहत प्रदान करने के संबंध में पत्र सौंपा। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को सिरोही हॉस्पिटल में विजिट के दौरान भाजपा नगर मंडल सिरोही के अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी में अत्यावश्यक जनता की मांग के तहत राहत प्रदान करने का मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बताया कि प्रदेश सहित सिरोही जिले की जनता कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। दूसरी लहर ने जनता को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण पिछले 1.5 माह में पीड़ित की मृत्यु का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ा है। इस दरमियान पीड़ित जनों को गंभीर चिकित्सकीय समस्याओं सहित आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान के बिना आमजन को राहत पहुंचाना आसान नहीं है। इस बीमारी का दंश झेलते लूटते और दम तोड़ते मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कोरोना महामारी की प्रथम और द्वितीय लहर में अपने माता पिता को खो चुके बालक बालिकाओं, बेसहारा हुए बुजुर्गों, पीड़ितों परिवारों को नगद आर्थिक सहायता सहित मुफ्त राशन और जिले की जनता को उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की नितांत आवश्यकता है। एक महीने से पेशेंट भी आ रहे हैं, परिजन भी आ रहे हैं। ये रास्ता पूरा खोज कर रखा था, नहीं आ पा रहे थे, इसकी परेशानी चल रही थी। आज आप मंत्री महोदय पढ़ा रहे हैं तो पूरा रास्ता शांत खड़ा चमका दिया। क्या जनता के लिए ये नहीं कर सकते थे पहले? सर मैं आपको बोल रहा हूँ, पीड़ा है, इसलिए मैं दोस्त से बोल रहा हूँ। काफी समस्याएं और भी काफी समस्याएं इसके अंदर लिखी हुई है। बहुत बड़ा जनता ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिल जुल कर सिर्फ आपके लिए जो जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना जो संचालित है वो आबू रोड पिंदवाड़ा में शुरू है, तो सिरोही के अंदर उसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा? कई बात प्रभारी मंत्री जी के आज यहाँ आने का, तो प्रभारी मंत्री जी जब निरीक्षण करने ही आए थे तो थोड़ा अंदर भी जाते, मरीजों को भी मिलते और वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते। मात्र यहाँ आए, 2 मिनट में स्वागत करवाया और निकल गए, इसका क्या औचित्य और क्या मतलब है? रही बात आज हमने यहाँ देखा तो 1 महीने से कोविड का ये जो काल चल रहा है उसके अंदर परिजन और पेशेंट खुद परेशानी झेलते हुए गड्ढे कूद कूद कर आ रहे थे, लेकिन आज प्रभारी मंत्री जी आ रहे थे तो उनके लिए रोड को चमका दिया गया। ये कौन से प्रावधान का हिस्सा? क्या ये पैसा जनता के लिए पहले नहीं लगा सकते थे? जनता अगर खड्डे में चले तो चले, लेकिन मंत्री जी खड्डे में नहीं चलने चाहिए, ये प्रशासन का काम रहा है सिर्फ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन वालों समझो और जनता के लिए काम करना शुरू कर दो। आप सिर्फ नेताओं की गुलामी करते रहोगे जब तक आपका काम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री आज सिरोही आए, केवल वो एक ढकोसला था, केवल मैच खाना पूर्ति। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। पिछले दिनों जिस प्रकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जनता ने उसका दर्द झेला है, उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध उनके पास नहीं था। एक खानापूर्ति के तहत आज उन्होंने सिरोही का विजिट किया, जहां पर आज हमने भाजपा नगर मंडल सिरोही की ओर से उन्हें ज्ञापन देकर विभिन्न प्रकार, जैसे पीएम केयर फंड में जो वेंटिलेटर मिले थे सिरोही को, उनका उपयोग नहीं किया, उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। इसी प्रकार पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन और आवश्यक जैसे ब्लड फंगस की बीमारी आने वाली है, उन संभावित आकांक्षाओं को देखकर हमने पर्याप्त उपकरण और हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं और निःशुल्क जांच आदि करने की मांग की है। आज केवल आनंद फानंद में मंत्री महोदय आए और चले गए, उससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोही राजस्थान से रमेश सुथार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।